달리 여러분. पूर्व में केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में माननीय सांसद श्री शांता कुमार जी, चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, श्री राजीव भारद्वाज जी और उनके साथ आए हुए विभिन्न मंडला प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, भाजपा मंडल चंबा के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, आप सभी का आज शिला घाट के प्रांगण में मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ कि वो माननीय स्वागत प्रधान ग्राम पंचायत शिला घाट माननीय सांसद महोदय को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करते हुए कृपया जोरदार ताली के साथ पुनः स्वागत करेंगे और सम्मानित करें। श्री जीतो राम जी, श्री चूड़ राम जी, कृपया मेरा आग्रह है उदय कुमार और प्यार सिंह, कृपया वो मंच पर आए और चंबा वार्ड मेंबर श्रीमती चंचला देवी, अनु कुमारी द पब्लिक देवी से जोरदार ताली का स्वागत। आग्रह रहेगा उप प्रधान श्री धर्मेंद्र सिंह जी से कि वो माननीय SCS सादर प्रणाम। परम आदरणीय हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री एवं सांसद श्री शांता कुमार जी, उनके साथ बगल में विराजमान हमारे चंबा सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, जय सिंह जी, विनोद कुमार जी, जसवीर नागपाल जी तथा नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी तथा मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य लोग तथा इस प्रांगण में उपस्थित मेरे शिला घाट के ग्रामवासियों, सबसे पहले मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्यारे ग्रामवासियों, आज हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है और इससे साबित हो रहा है कि हमारी पंचायत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों नेता लोग जो देश को, जिले को, राज्य को चलाते हैं, हमारे यहाँ आएंगे तभी तो उन्हें हमारी समस्याओं का पता चलेगा और जब समस्याओं का पता चलेगा तभी तो उनका निदान भी होगा। इसके लिए मैं एक बार अपनी ओर से, अपनी समस्त पंचायत की ओर से इनका कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच में भारत के अन्नदाता पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी मौजूद हैं, जिन्होंने हिमाचल में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की है और उस अंत्योदय अन्न योजना का लाभ हमारे शिला घाट के भी लोग, भारी से भारी लोग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मात्र 12 रुपए में 2 लाख का बीमा हो रहा है।
5 लाख तक इलाज फ्री हो रहा है, लोगों के घर बन रहे हैं। मेरी माताओं और बहनों को की आंख में अब धुएं से आंसू नहीं आते। गैस चूल्हा आपके घर तक पहुंच रहा है, आपको गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, आपको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता। आप हमारी पंचायत में गाड़ी हर महीने गाड़ी आती है और आपकी फसलों की रक्षा के लिए सोलर बाड़ भी लगाए जा रहे हैं, सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 की किस्तें पड़ रही हैं और ये सब संभव हो पाया है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो मैं एक बार मोदी जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी प्लीज। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करती हूं कि एक बार पुनः मोदी जी के पक्ष में वोट कर अपने देश को श्रेष्ठ देश भारत के लिए एक स्वच्छ छवि, स्वावलंबी, धर्मनिरपेक्ष और मजबूत सरकार बनाकर अपना पूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। हर्ष के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों व हिमाचल सरकार के हर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों व श्री पवन नैयर विधायक चंबा जी के मार्गदर्शन का कुशल नेतृत्व में प्रधान श्रीमती आशा कुमारी द्वारा, श्रीमती आशा कुमारी के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर बहुत से लोग भाजपा की नीतियों में अपनी आस्था प्रकट करते हुए भाजपा परिवार में शामिल होने जा रहे हैं, जिनका पार्टी में हमारे सांसद श्री शांता कुमार जी हार पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी में स्वागत करेंगे। तो मैं बारी बारी से उनका नाम यहाँ मंच से बोलूंगा और वो अपना नाम सुनकर सभी मंच पर आए और उनका स्वागत श्री शांता कुमार जी हार पहनाकर करेंगे। लेकिन तो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो जोरदार ताली के साथ स्वागत उप प्रधान श्री धर्मेंद्र सिंह जी का। श्री प्यार सिंह जी, श्री सतीश और अशोक कुमार जी SDO, कृपया वो भी मंच पर आए। श्री सालोराम जी और सुनील सुरेश कुमार, ओम प्रकाश बंजा, श्रीमती शिवोदया, बिट्टू राम, हरी सिंह, वार्ड नंबर प्रताप चंद सुपोष, यासीन जी, कृपया वो भी मंच पर आए। सन ऑफ जोलू अमरोह सानी, बलदेव बगड़ा, तो साथियों आज इन सभी लोगों ने श्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में आस्था रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे सभी का। भारत माता की, जोरदार आवाज दूर तक जानी जाएगी मित्रों, भारत। और एक व्यक्ति जो छूट गए हैं, सुरेश कुमार मुंडुआ, कृपया वो भी मंच पर आए। सुरेश कुमार जी तो जोरदार ताली का स्वागत प्लीज। और बिंदो राम जी जो उनका नाम पार्टी जिला चंबा के उपाध्यक्ष हैं, वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। आदरणीय श्री शांता कुमार जी और सिल्लागराट की प्रधान साहिबा श्रीमती आशा जी, उप प्रधान मेरे छोटे भाई धर्मेंद्र जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्री नीलम नैयर जी, महिला मोर्चे की अध्यक्षा श्री कांता जी, सभी पदाधिकारीगण, मैं सिल्लागराट की का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय शांता कुमार जी, आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कितना स्वच्छ और एक बिल्कुल गरीबों के प्रति काम करने वाला रहा है। अपने 66 वर्ष के राजनीतिक जीवन में
इन्होंने कुछ मर्यादाएं और कुछ उच्च कोटि की राजनीति की है और कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। माननीय शांता कुमार जी लगभग इस 66 वर्षों में इसी गांव की राजनीति से पांच वार्ड की राजनीति करते करते प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस भारतवर्ष में केंद्रीय मंत्री और माननीय अटल जी की सरकार में ये मंत्री रहे और मोदी जी की सरकार में इन्होंने जो कॉरपोरेट का एक बहुत अहम कार्य जो लोगों की सेवा के लिए धन मुहैया कराना था उसके लिए उनका जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके चेयरमैन बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि आज जो राजनीति का स्तर है वो किस रसताल में कांग्रेस ले जा रही है, कैसी कैसी भाषाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन पिछले 66 वर्षों में माननीय शांता जी ने कभी भी इस भारतवर्ष में शायद ही कोई बिरला ऐसा राजनीतिज्ञ होगा जो इनके समकक्ष रहता होगा। इन्होंने अपनी अपनी भाषा पे हमेशा नियंत्रण रखा है, कभी भी गलत बात किसी के प्रति नहीं कही है, चाहे वो कितना भी ध्रुव विरोधी रहा हो। और इनके त्याग की जो एक प्रकाष्ठा है उसको ऊपर ले गए हैं। उन्होंने अपने स्वेच्छा से इस जो राजनीतिक जीवन में लोगों की सेवा करते करते कभी सांसद या एमएलए रहे हैं, अपनी ओर से सभी को आगे बढ़ने का प्रेरणा दी है। और इस बार इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि मैं अभी ये जो चुनाव की राजनीति है इससे दूर रहूंगा और अपना अपना जो वो था माननीय श्री अपने किशन कपूर जी को यहाँ से सांसद के लिए आगे किया। इनका मार्गदर्शन ही है इस हिमाचल को ऊंचाइयों की तरफ ले गए। आज माननीय शांता कुमार जी हमें पानी के देवता लगते हैं, सड़क के देवता लगते हैं, वो भाग्य की रेखाएं हैं। ये सड़क और पानी हम गांव वालों के लिए इसी पे निर्भर है, इसी से जिंदगी चलती है। आज तक किसी ने हिमाचल में नहीं सोचा था कि पानी के लिए अलग महकमा होना चाहिए। इन्होंने आते ही सबसे पहले जो एक हिमाचल में आईपीएच का एक अलग से विभाग खोला और उसका अलग से मंत्री नियुक्त किया, जो आज हम पानी पी रहे हैं, जो चंबा के लिए पानी है वो आपके क्षेत्र से ही आता है। सभी जो पानी है उस वक्त की गुलियानी से सब चंबावासियों की, जैसे रानी सुनैना ने इस चंबा के लिए पानी के लिए अपना बलिदान दिया था, उसके बाद भी पानी के लिए त्राही थी, लेकिन इन्हीं के प्रयासों से ये पानी का महकमा जो इन्होंने और एक मंत्री जो दिया उसकी वजह से ही हम शहरवासी आज पानी की आप प्यास बुझा रहे हैं। हमारे विधायक श्री पवन नैयर जी आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, हर कार्य करते हैं। इन्होंने आपके चंबा के विकास के लिए माननीय शांता जी का कई बार लड़ते भी आपके लिए कि माननीय शांता जी हमारा चंबा स्पेशल जिला में है, आपका सहयोग चाहिए। और माननीय शांता जी ने भी दिल खोल कर चंबा से विशेष लगाव है, विशेष प्यार दिया है। हमेशा अगर अंत्योदय की योजना हो, अगर अन्न की योजना हो, अगर दरिद्र नारायण के लिए सोचा है तो माननीय शांता जी ने ही इस चंबा के लिए सोचा है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है सबसे पहले इन्होंने चंबा इनके दिल में रहा है। जो पिछला विधानसभा चुनाव था आपकी आप लोगों की सहयोग से हम विजयी हुए हैं। हमारे संगठनकर्ता माननीय राजीव भारद्वाज जी के नेतृत्व में और श्री पवन नैयर जी के अथाह मेहनत और प्रयास से और शांता जी के आशीर्वाद से और आपके आप लोगों के सहयोग से हम इस विधानसभा में अपना एमएलए जो है माननीय जयराम जी की सरकार में भेज सके हैं। और जो भी आपके कार्य हैं माननीय पवन नैयर जी अब जी जान से लगते हैं उस काम के लिए, कोई भी काम हो अपना वक्त जो है हर वक्त इस क्षेत्र के ले देते हैं। मैं माननीय पवन नैयर जी को सल्यूट भी करता हूं, इतनी बीमारी के बावजूद, डॉक्टरों की मना करने के बावजूद और इतना प्रेशर ना झेलने की सलाह देते हुए भी आप लोगों की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है ये देश की अस्मिता के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है, आप सब भलीभांति जानते हैं। आने वाले जो
चुनाव है 19 तारीख को, आप अपना मत भारतीय जनता पार्टी को देंगे, कमल का बटन दबाएंगे और माननीय किशन कपूर जी को अपना आशीर्वाद देंगे। माननीय किशन कपूर जी का को जिताकर आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और माननीय शांता जी के आशीर्वाद से, जयराम जी के दिशा निर्देश से और इस चंबा के हमारे विधायक जी के प्रयास से हम और उन्नति करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, इस मौसम में भी आप इतने लोग इकट्ठे हुए और यहाँ माननीय शांता जी का इतना स्वागत किया, और मैं विधाई भी देना चाहता हूँ यहाँ के उप प्रधान व बाकी लोगों का। चलो देर आए दुरुस्त आए कि आप हमारी पार्टी से जुड़ गए हैं और आप भी हमारे सबका साथ सबका विकास इस भावना से लेकर हमारे लिए जो सत्ता है वो लोगों की सेवा के लिए है, हमारे इस कार्य में आप भी आप हाथ बटाएंगे और हम भी आपको आश्वस्त करते हैं इस गांव की भलाई के लिए जो भी होगा माननीय श्री पवन नैयर जी और पार्टी के पदाधिकारी आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जय भारत जय भारत जय भारत। तो मंच पर आए और अपने शब्द से लोगों को कृतार्थ करें। तो जोरदार ताली के साथ लोकप्रिय विधायक पवन नैयर जी का सांसद आदरणीय शांता कुमार जी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन व प्रभारी चंबा कांगड़ा राजीव भारद्वाज जी, मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, SC ST वाइस चेयरमैन जय सिंह जी, सिला गराट के प्रधान आशा देवी जी, उप प्रधान त्रिवेंद्र जी, नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम नैयर जी, उपाध्यक्ष पूर्व महेंद्र सिंह जी, भाजपा जिला महिला अध्यक्षा कांता ठाकुर जी, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन श्री देशराज जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष नानक जी, पार्षद वर्षा जी, पंचायत के समस्त वार्ड मेंबर, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA पन्ना प्रमुख। सबसे पहले मैं सिलग राग दे जितने भी जिन्होंने भी आज ज्वाइन किया, खासकर उप प्रधान और वार्ड मेंबर, मैं नेरा तय दिल का धन्यवाद करता और इन्हें पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि इन्हें जो पार्टी अंदर पूरा मान सम्मान मिलना है, प्रधान हो रही तुम्हारे तेरे और ये बड़े मेहनती और सारे तुम्हारे जितने भी काम हैं ये तुम्हारे करते नहीं थे और अगे भी सारे करने। मैं आदरणीय शांता जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का तय दिल का धन्यवाद करता कि जिन्होंने एक ऐसा आदमी या चंबा कांगड़ा लोकसभा को दिता जेदा कि ईमानदार है और वो बिल्कुल धरती कन्नै जुड़े रहे। जहाँ वो मारे किशन कपूर जी मंत्री बने दिन चंबा दे हर महीने दौरा लाते थे और जेडे भी काम दसे और जितनी भी तुसा जो दिखे होना अज जी गैस तुसा जितने मिली दी है ये सारी उनेरी और मुख्यमंत्री होरी देन है। पूरे हिंदुस्तान विच कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिन्हें को मुफ्त दिते हुए गैस तुसा जो, ये पहली हिमाचल प्रदेश ऐसी स्टेट है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये बिल्कुल तुसा मुफ्त दिती इन्होंने और कोई पैसा लगे दोबारा सिलेंडर भी भरी के दिता वो भी मुफ्त दिता। और मैं आदरणीय शांता जी का बड़ा धन्यवाद करता, मुझे तो हाले जीते मेरे ख्याल 15 महीने हुई है और इन जो भी डिमांड की इन्होंने आचार्य जी ते बैठे ना, असं रोज़ आचार्य जी तंग करते और इन्होंने बोले दस दौ जितना पैसे जाना और अभी जितने पैसे डिमांड की इन्होंने उतने पैसे दिते। अज ये जो तुम्हारा स्टेडियम है इस वास्ते भी मैं रिक्वेस्ट की थी, 2 लाख रुपये इन्होंने अपने तुम दिता रहे इस स्टेडियम वास्ते। ऐसे ऐसे हमारे सांसद थे, पहले कांग्रेस टाइम भी सांसद थे, प्रोफेसर चंद्र कुमार जी थे, जितने भी MP बने ये भी एक नई चीज है। वो चंबे का तकरीबन 1 करोड़ रुपया 75 लाख लेता पर आज हुई है 1 करोड़ रुपया ब्याज ब्याह करने वो चंबे का जो पैसा चंबे च लगना था वो इन्होंने इतने चुके और अपनी चुनाव क्षेत्र ले गए ज्वाली। अजक तो तुम्हारा कभी सुने कोई MP उल्टा से पैसे दिंदा और उन्होंने चंबे का जो लाडा का पैसा था मारा इन्होंने रोह बराह पाई करी
और उसमें उत्ते 1 करोड़ रुपये जो चंबर ले और अपनी कौंसलर अंदर पाया। कोई भी अगर कांग्रेस दे तुम्हारे कहते वोट मंगणांगे तुम सारे ने बोलना पहले जो 1 करोड़ रुपये तुम्हारे कांग्रेस के जो एम पी ले पहले आओ वापस करो ताकि हमारे इलाके च लगे हो और हमारे जो मुख्यमंत्री जड़ी भी डिमांडा की सने तुम्हारे सीला घराट ऑयल इसे 2 करोड़ के टेंडर हो गए सिर्फ जो पेड़ नेरे कटने अबे सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगे रहा और यह खुली है मेरे ख्याल इसके बाद आचार संहिता बाद दशहरे भी यहाँ काम लाई जाना। सीला घराट टू सुनोथा टेंडर सिरे हुई है 3 करोड़ रुपए के सिरे गरजर नाला पुल 1 करोड़ रुपए का सिरा टेंडर हुई है सिरे भी सुनोथा पुल सेंक्शन हुई है सिरा और सिरे टेंडर होने नवे इसलिए पैसा आई है अभी आचार संहिता बाद सिरे भी टेंडर लग जाना। सीला घराट मैंगल ये भी सेंक्शन है पर लोग जमीन नहीं देंगे अभी आचार संहिता बाद मैं इतने आना प्रधान हो रही होने एक्शन साहब कहने सारे द्वारा सर्वे करना सी भी ताकि अगर कोई सड़क तुम बनानी जमीन तो देना पैनी और एक बार अगर तुम्हारी सड़क रहेगी तो फिर ये कभी नहीं बननी ये मैं तो आज दसी था तुम्हारे 6-7 सड़क सड़क जी अब बनना लेके दिन एक तुम्हारा थले ब्योड अंदर है ये 7 करोड़ का ब्रिज बनना और इसका नहीं तुम्हारे प्रधान होने जितनी डिमांडा रखी मारगा स्कूल वास्ते था ग्राउंड वास्ते 2 लाख रुपये तक मिडिल स्कूल था 10 लाख रुपया सिला ग्रार स्कूल जीजीएस इस वास्ते 2 लाख रुपया कमरे रिपेयर दी सीरी चुंगला स्कूल वास्ते 1.5 लाख रुपया इतने पैसे इस मेरे ख्याल 15 महीने दिते होने इतने वेख सरकार ने 10 साल ही दिते होने पिछले 5 साल बीच मैं सारा रिकॉर्ड था कराता पी डुली बनेगा सारी 8 सड़क बनिया और अबे 15 महीने 57 सड़क कुछ 5 साल अंदर 5 साल 5 साल अंदर 8 सड़क 1.5 साल अंदर 57 सड़क इसके टेंडर होने ने टेंडर कुछ लगी गए और कुछ अगे होने ने मारे असने कोई भी चंबे डिवेलपमेंट करने कोई समझौता नहीं होना मारे मैं तो बड़ा भाग्यशाली समझा जी सोचो मैं भारतीय जनता पार्टी चली है इतने पूरा इज्जत मान है तुम दिखा होना जितने भी मारे काम थे बिल्कुल प्रोडक्टिव रहते हैं कोई मारे मुख्यमंत्री हो कोई ना नहीं गए मैं ऐसे जिंदगी अंदर मुख्यमंत्री नहीं दिखे कभी गरीब मेरे ख्याल इतने जडेरे कोई कैंसर मरीज था उसे दवाई तो 2-3 लाख रुपया रजेरे दवाया उसने जितने गरीब लोग थे 15-20 आदमी जो उसने कुछ 4 लाख रुपया कुछ 3 लाख जड़े बीमार होंगे सारे पैसे दवाए सर और मेरी मैं ज़्यादा नहीं बोलना क्योंकि टाइम बड़ा सी लेट हुई है मेरी तुम्हारे कहीं एक और रिक्वेस्ट यह है कि सिला घराट जरा स्टेशन है ये आज तक कभी बीजेपी जो लीड नहीं मिली जा रहे हिंदुस्तान आजाद हो रहा है और ये मुझे इस बारी पूरी उम्मीद है मुझे और अगर तुम लीड दे दी तुम दिखना फिर क्या कि हमारी ड्यूटी है अगर अभी तुम्हारा काम नहीं करके मेरी इलेक्शन है नहीं अबे तो हमारी इलेक्शन जाए वोट मत आते असी तो तुम्हारा मेरे ख्याल जीतने बाद 1.5 साल तीसरा कि चौथा दौरा से लग रहा मेरा और अगे भी असं आंदे रहना जितने भी तुम्हारे प्रधान ने कम दसे असं बिल्कुल प्रधान हो उप प्रधान हो वार्ड मैंबर जो भी है कम दसगे मिली जुली के सारे कम अभी तुम्हारे करने जाए इस वास्ते सारे ने मिली जुली करी एक बार देखो तो देखो तुम एक बार लीड देखिए देखो फिर देखो क्या करते असं और मुझे पूरा विश्वास है इस बारी जो इतने लीड आनी इस करने मैं तुम्हारे सारे लोगों का बड़ा धन्यवाद करता खासकर प्रधान और सारी पंचायत रहा कि तुसा इतना जोरदार स्वागत किया लंघे भरखा लगी पी जी और मैं तुसा पूरा विश्वास दा जो भी तुम्हारे काम होंगे प्रायोरिटी भी करने जय चंबा जय हिमाचल की बार मोदी सरकार की बारी मोदी सरकार। अभी आपने विधायक जी के संबोधन सुना उन्होंने बहुत ही आश्वस्त किया आपको काम के प्रति और वो नेचुरली ही ऐसे हैं कि काम के प्रति 24 घंटे तत्पर रहते हैं तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत इनका फिर से। अब मेरा अगला आग्रह रहेगा श्री राजीव आज के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता हमारे बीच में मौजूद श्री शांता कुमार जी
कृपया वो मंच पर आएंगे और अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करेंगे। मंच पर बैठे हुए मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, इस विधानसभा के हमारे योग्य कर्मठ विधायक श्री पवन नैयर जी, श्रीमती नीलम नैयर जी, श्री जय सिंह जी, श्री विनोद कुमार जी, श्रीमती कांता ठाकुर जी, श्रीमती आशा कुमारी, इस इलाके के प्रमुख, याद रखिए जैसे हमारे लिए दिवाली है, होली है, जैसे हमारे लिए 15 अगस्त है, वैसे ही 5 साल के बाद होने वाला चुनाव है। ये चुनाव कोई साधारण वोट डालने की बात नहीं है। एक तो मैं निवेदन करूंगा, वोट हर व्यक्ति को डालना चाहिए। वोट हमको किसने दिया? किसी पार्टी ने नहीं दिया, किसी नेता ने नहीं दिया। और 5 साल के बाद अपनी सरकार बनाने का हक लोगों को किसने दिया है? याद रखना बहनों भाइयों, ये देश के हजारों शहीदों ने दिया। कभी यहां अंग्रेज की सरकार थी, हम अपनी सरकार नहीं बना सकते थे, हम भारत माता की जय भी नहीं बोल सकते थे। अगर भारत माता की जय बोलते थे, अगर भारत माता की जय उस वक्त बोलते थे, तो अंग्रेज पकड़कर लाठियां बरसाते थे, जेलों में बंद करते थे। लंबा संघर्ष, आजादी की लड़ाई, फांसी के फंदों पर झूले लोग 90 साल तक, एक नहीं हजारों लाखों लोग कुर्बान हुए देश के शहीद भगत सिंह जैसे, देश आजाद हुआ और तब हमें आपको वोट का अधिकार मिला। ये शहीदों की इमानत है, वोट शहीदों की इमानत है, वोट देना हमारा परम कर्तव्य है। ये त्योहार है लोकतंत्र का। मैं सबसे पहला निवेदन ये करूंगा, हर कोई वोट दे। अगर किसी को हमसे इतराज हो वोट ना देना हो तो भी वोट दे, किसी को दे, लेकिन वोट देते समय एक बात सोच ले कि देश का भला किस बात में है। 5 साल के लिए हमने अपनी किस्मत बनानी है, देश की किस्मत बनानी है। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए और शहीदों ने जो कुर्बानियां दी थी वो किस लिए दी थी? कि भारत आजाद हो, खुशहाल हो, कोई गरीब ना हो, कोई बेरोजगार ना हो। हमारे बाद दुनिया के बहुत छोटे छोटे देश आजाद हुए, खुशहाल हो गए, कोई गरीब नहीं, कोई बेरोजगार नहीं। हम 70 साल के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। कारण क्या है? यहां सरकारें आई लेकिन जनता के लिए सब ने ठीक तरीके से काम नहीं किया। सेवा की राजनीति नहीं थी, भ्रष्टाचार होता रहा, देश को लूटा जाता रहा। आप अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, कोई 15,000 करोड़ उधार लेकर के विदेश को भाग गया। मैं लंबी बात नहीं करता, लेकिन भारत को कितना लूटा गया। भारत के सभी बैंकों का NPA, वो पैसा जो बेईमान नेताओं की मदद से बेईमान अमीरों ने लिया, वापस नहीं किया, पैसा डूब गया, मर गया, वो पैसा 14,00,000 करोड़ रुपया है। 14,00,000 करोड़ रुपया आपका खजाने का पैसा बैंकों द्वारा लूटा गया। कोई नीरव मोदी चला गया, कोई बलाया चला गया, ऐसे कितने ही लोगों ने पैसा लूटा।
इसलिए जो पैसा आपकी गरीबी दूर करने के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था, वो लूटा गया। जब जब हमारी सरकार आई हमने काम करने की कोशिश की, और जब से हम तो पूर्ण बहुमत में आए, श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में आए, भाइयों बहनों ये लूट बंद हो गई है। अब किसी मंत्री के खिलाफ, हमारी दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाता। लूट बंद हुई, खजाना भर गया, कितना पैसा आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 71 नेशनल हाईवे, भारत सरकार जो बड़ी बड़ी सड़कें बनाएगी उनके लिए कितना पैसा आया है, लगभग 3,00,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। छोटे से चंबा जिला के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस साल 188 करोड़ रुपए आया है। चंबा जिला को बैकवर्ड जिला करार दिया है, उसके लिए अलग से 85 करोड़ रुपए आया है। और कितनी योजनाएं, कितना पैसा, ये पैसा कहां से आ रहा है? पहले पैसा कहां था, कहां क्यों नहीं आता था? हम जब भी आते हैं कोई ना कोई काम होता है। अटल जी आए तो भी काम हुआ, गरीब लोगों को करोड़ों अरबों रुपया का राशन सस्ता देना शुरू किया, आज तक दिया जा रहा है। जब कांग्रेस के लोग आते हैं तब ऐसे काम क्यों नहीं होते? फिर आपसे निवेदन है, आपने हमें भी देखा, आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने हमारे काम भी देखे, आपने कांग्रेस के काम भी देखे। अब आपका फैसला करना है, और फैसला ये करना है कि आने वाले 5 साल के लिए हमें कैसी सरकार बनानी है। देश पर बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, एक तरफ पाकिस्तान रोज परेशानी पैदा करता है, आतंकवादी पैदा करता है, आतंकवादी भेजता है, वो गोलियां बरसाते हैं, हमारे देश के मासूम मरते हैं, रोज मर रहे हैं जम्मू कश्मीर में लोग। पाकिस्तान का खतरा एक तरफ, चीन दूसरी तरफ, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कौन सरकार इसका मुकाबला करेगी? पाकिस्तान को पिछले दिनों किसने सबक सिखाया? नरेंद्र मोदी जी ने सबक सिखाया। बहुत बड़ा आतंकवादी मजहर, जिसको पूरी दुनिया आतंकवादी कहना चाहती है, पूरी दुनिया आतंकवाद खत्म करना चाहती है, पाकिस्तान मदद कर रहा है, चीन भी मदद करता था, अब भारत सरकार की कोशिश से, नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति के कारण चीन ने मदद करनी बंद कर दी कल, और उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ये भारत सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सफलता है। तो आतंकवाद का मुकाबला करना है तो मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहिए, अच्छी विदेश नीति लानी है ताकि पूरी दुनिया भारत का सम्मान करे, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छी गरीबों की, गांव की योजना अगर लानी है, किसान के लिए योजना, आम आदमी के लिए योजना, यहां तक कि छोटे दुकानदार को भी पेंशन देने की बात हमारी सरकार ने कही है, हर छोटा हर गरीब आदमी उसके लिए काम करने की बात हमारी सरकार कर रही है। इन सारी बातों को सोचकर भाइयों बहनों आपने निर्णय करना है, और भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स की, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं तो पिछले 40 साल से चंबा में आता रहा, कई बार चुनाव लड़े, आपने सहयोग दिया, मैंने अब चुनाव की राजनीति छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, और पार्टी की सबकी सलाह से हमने श्री कृष्ण कपूर जी को यहाँ पर लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। कृष्ण कपूर जी साधारण गरीब घर से 5 बार MLA बने, 3 बार मंत्री बने, एक ईमानदार मंत्री के रूप में उन्होंने
हिमाचल की राजनीति में अपना स्थान बनाया है। हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप श्री किशन कपूर जी को वोट देकर सफल बनाए, दिल्ली भेजें। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली बार विधानसभा में भी आपने हमारी सहायता की। श्री पवन नैयर जी जैसे योग्य व्यक्ति जिनको आपने विधायक बनाया और इस इलाके का विकास करने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो आज 5 साल के काम श्री नरेंद्र मोदी जी के काम आपको बताए जा रहे हैं, ये 5 साल के नहीं है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो उससे पहले पूरे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, घोटाले होते रहते, भ्रष्टाचार होता रहा था। नरेंद्र मोदी जी आए तो 10 साल के भ्रष्टाचार की गंदगी को निकालने के लिए समय लग गया, खजाना खाली था, योजनाएं बनाकर खजाना भरने में समय लगा, नई योजनाएं बनाने में समय लगा। ये इतने सारे काम जो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं ये 5 साल के नहीं है, ये 2-2.5 साल के काम है। अब सफाई हो चुकी है, अब योजनाएं बन गई, खजाना भर गया, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगले 5 साल में कई गुना ज्यादा काम होगा और मुझे भरोसा है हम गरीबी बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त कर सकेंगे। इस बात के लिए होती है कि हर आदमी की बुनियादी समस्याएं पूरी हो। जैसे मेरे मित्र कह रहे थे, ये बड़ी हैरानी की बात है, 30 साल सरकार रही थी, जब आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया उससे पहले 30 साल तक कांग्रेस सरकार रही, और जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी पानी है, स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी है, लेकिन पीने का पानी देने की बात भी सरकार ने नहीं सोची थी 30 साल तक, 77 में पहली बार। और मुझे बड़ी हैरानी हुई थी जब सरकार बनने पर हमने कहा कि सबसे पहले पीने का पानी देंगे, अफसरों को बुलाया कि पीने के पानी के काम को प्राथमिकता देकर काम करना है, तो मुझे चीफ सेक्रेटरी खड़े हो गए, कह लगे यहाँ पानी देने का काम हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों, कह लगे पानी देने का कोई विभाग ही हिमाचल सरकार में नहीं है, पीने के पानी के बारे में भी नहीं सोचा, विभाग भी नहीं था हिमाचल सरकार में। ये पानी देने का IPH विभाग पहली बार 1977 में हमारी सरकार ने बनाया, और फिर पीने का पानी देने की अपनी कोशिश की। 30 साल की आजादी के बाद भी हिमाचल में बहुत गरीब थे, उन बहुत गरीबों को चुना, 1 लाख गरीबों को चुना और अंत्योदय योजना शुरू की और उनकी मदद करनी हमने शुरू की, 30 साल तक सोचा नहीं था। दिल्ली में सरकार अटल जी की, मुझे खाद्य मंत्री बनाया, उस वक्त 5 करोड़ लोग उस वक्त तक रात को भूखे पेट सोते थे, हमने अंत्योदय अन्न योजना बनाई और वो योजना आज तक चल रही है। सरकार कारण क्या है, कारण यह है कि हमारी पार्टी गांव गरीब की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी। हमने अपना जीवन गांव में व्यतीत किया। मैंने देखा था कि मेरी माँ सिर पर घड़ा रखकर 4 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी, गर्मियों में पीने का पानी पूरा नहीं मिलता था, कपड़े धोने के लिए मेरी माँ घर से दूर जाती थी। पता था हमको, क्योंकि हम गांव से, गरीब घरों से निकले थे, इसलिए समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी साधारण घर के हैं, गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया है, इसलिए देश की तस्वीर हमारी सरकार बदल रही है। आज हमारा सौभाग्य है कि शिमला में हमारी सरकार है, श्री जयराम ठाकुर हमारे मुख्यमंत्री हैं, और 1 साल में कितने शानदार काम कर दिए, 1 साल के अंदर। आपको ये जानकर खुशी होगी
हिंदुस्तान में 27 प्रांत हैं, 27 मुख्यमंत्री हैं, और कुछ मुख्यमंत्री 5-5, 10-10 साल के, बड़ा नाम है, बड़े योग्य हैं, लेकिन अभी एक सर्वे हुआ कि हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है, तो 27 मुख्यमंत्रियों में दूसरे नंबर पर हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आए, छोटे से हिमाचल के एक साल के मुख्यमंत्री भारतवर्ष में लोकप्रियता में आगे दिखाई देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सौभाग्य की बात है, और दिल्ली में भी हमारी सरकार है, इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आपने जैसे पिछली बार हिमाचल में हमारी सरकार बनाई, जयराम ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया और श्री पवन नैयर जी को आपने अपना विधायक यहाँ से बनाया, और विकास के काम तेजी के साथ हो रहे हैं, हालांकि अभी एक साल से ज्यादा थोड़ा सा समय हुआ है, अब दोबारा दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, हिमाचल में हमारी सरकार है, सबसे पहला काम हमारी सरकार गांव गरीब आम आदमी की बात सोचती है। पता नहीं आपने हमारे 2-3 साल के दिल्ली के बजट अच्छी तरह पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े लिखे लोगों ने पढ़े होंगे। सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में पहली बार हमने जो बजट बनाया तो बड़े बड़े अमीरों को दिया कुछ नहीं, टैक्स लगाकर उनसे कुछ लिया, पहली बार, जो कम अमीर थे उनको दिया कुछ नहीं, लिया भी कुछ नहीं, जो मध्य वर्ग के लोगों को था उनकी समस्याएं पूरी करने के लिए पैसा दिया, लेकिन जो सबसे नीचे के गांव का गरीब था उसको सबसे ज्यादा पैसा देकर योजनाएं उनके लिए बनाई, ये हमारे बजट की खासियत है। हमारा बजट अंत्योदय का बजट है, अमीरों का बजट नहीं है। कांग्रेस के काम करने का तरीका यह था कि अमीर अमीर होते थे, गरीब गरीब रह जाता था, कांग्रेस के राज्य में अमीरी चमकती थी, गरीबी सिसकती थी, गरीबों की संख्या बढ़ती रही भारत के अंदर। जब कांग्रेस से हमने देश संभाला तो दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग हिंदुस्तान में रहते, अमीरी भी है गरीबी भी है, इसलिए कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने कहा था हिंदुस्तान एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते, एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा था हिंदुस्तान एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं, थोड़े से मुट्ठी भर लोग अरबपति करोड़पति, आम आदमी गरीब आदमी, इस सारी स्थिति को बदलने की कोशिश भाजपा की सरकार कर रही है। अब बजट का ज्यादा से ज्यादा पैसा गांव गरीब आम आदमी के लिए कहां तक सोचा जा रहा है, शौचालय बनने चाहिए, जब हमारे प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात 15 अगस्त लाल किले पर प्रकट होकर कही तो कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, दुनिया के लोग हंसने लगे, क्या हो रहा है, अरे भी जरूरत है, ये हर रोज की जरूरत है, मुझे पता है, मैं वकालत करता था दिल्ली था, बाद में पालमपुर में रहता था, मेरी जब शादी हुई तो मैं अपनी पत्नी को लेकर 3 साल तक अपने गांव में नहीं जा सका, क्योंकि हम लोटा लेकर बाहर नहीं जा सकते, बड़ी शर्म आती। मेरे बड़े भाई साहब DIG रिटायर हुए तो जब आए तो मैंने कहा भाई साहब मकान बाकी बाद में ठीक करना, सबसे पहले शौचालय बनाना, कहने के क्यों, मैंने कहा मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आना चाहता हूँ। उन्होंने शौचालय बनाया तो 3 साल के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर पालमपुर से चढ़कर अपने गांव आया था। ये सबकी जरूरत थी, करोड़ों शौचालय बनवाए, आम गरीब आदमी की जरूरत, गैस चाहिए नहीं तो आंखें खराब होती है धुएं से, एक एक गरीब की जरूरत को सोचकर, कभी किसी ने सोचा नहीं था, मुझे बहुत से लोगों हमने सोचा नहीं, छोटे दुकानदार को भी पेंशन दी जाए, छोटे छोटे दुकानदार जिंदगी के आखिरी समय पर बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं, हर आदमी के लिए सोचा जा रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, आज बड़ी खुशी है कि इस गांव के बहुत से लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका स्वागत करता हूं और आपका भी धन्यवाद देता हूं। भाई और बहनों, पिछली बार आपने सरकार बनाई,
पांच साल के शानदार काम हुए, पूरे काम नहीं हुए, अधूरे अभी और बहुत कुछ करना है। इसलिए हम दोबारा आपसे कहने आए कि इस बार और ज्यादा वोट देकर और मजबूत से कार्रवाई बनाए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ श्री मातदाता चाहता हूँ। भारत सरकार ने सोचा कि कुछ जिले बहुत पीछे रह गए, ऐसे हिंदुस्तान के कुछ जिलों को चुना, उनको पिछड़ा डिक्लेयर किया है, और भारत सरकार में हमारे हिमाचल के मंत्री श्री जिला है, इसके विकास के लिए खास कोशिश की जाएगी, और उसके लिए विशेष कोशिश की गई है। अब अलग से हिमाचल में सिर्फ चंबा जिला के लिए अलग से पैसा भेजा जाएगा, और उसके लिए 85 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है, 32 करोड़ रुपया चंबा में आ गया है आपके विकास के लिए। चंबा जिला का विकास, बाकी हिमाचल के किसी जिले को ये पैसा नहीं, क्यों? क्योंकि बाकी जिले पहले से कुछ विकसित है, चंबा जिला पहले से पूरे हिमाचल से पिछड़ा हुआ था, इसलिए भारत सरकार ने चंबा जिला को पिछड़ा घोषित किया और विशेष पैसा देने की कोशिश की। अभी 85 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, ये और बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गांव की गरीब की आम आदमी की समस्याएं जल्दी से जल्दी पूरी होंगी। जो थोड़ी बहुत पूरी की हमने इसलिए पूरी की क्योंकि आपने हमको ताकत दी, आप हमारी सरकार बनाते हैं तो हम आपके लिए काम करते हैं। पिछली बार पहली बार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाई तो पूरे काम करने हमने शुरू किए, शुरुआत कर दी है, अभी काम अधूरे हैं, उनको पूरा हमने करना है। उनको पूरा करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। मैं ये विश्वास लेकर के जा रहा हूँ इस इलाके के आप सब भाई बहन केवल देश का भला सोचकर, कौन काम करता है, पानी कौन लाया, सस्ता राशन देने की कोशिश किसने, चंबा जिला को पिछड़ा किसने कहा, पैसा कैसे आ रहा है, विकास देश का लोगों का भला करने वाली सरकार चाहिए, और वो सरकार भाजपा की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं आपसे विश्वास करूंगा सभी वोट दें, सब लोगों को बता दें वोट शहीदों की इमानत है, वोट देना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, और वोट सोच समझ करके दें कि देश का भला किसको वोट दे करके हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाइयों बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करने इसलिए भी आया हूं कि पिछले 40 साल से आप हमारी मदद कर रहे हैं, मुझे कई बार आपने विजयी बनाया, तो मैंने सोचा चंबा जिला तो मेरी सबसे ज्यादा मदद करता था, मुझे सबसे ज्यादा वोट चंबा जिला में मिलते थे, इसलिए मैंने कहा मैं पूरे 5 दिन चंबा जिला में रहूंगा और चंबा की बहनों भाइयों का धन्यवाद करूंगा जो मेरी सहायता करते रहे। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं चुनाव आगे नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं पार्टी का काम हमेशा करता रहूंगा, आपके पास हमेशा आता रहूंगा। इस बार इस चुनाव में मैं श्री कृष्ण कपूर जी के लिए वोट लेने का निवेदन करने के लिए आपके सामने आया हूं। अधिक से अधिक वोट देकर उनको विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। पूर्व मुख्यमंत्री एवं चंबा कांगड़ा के वर्तमान सांसद आदरणीय श्री शांता कुमार जी, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री पवन नैयर जी, शांता जी, यहाँ का जो ये बूथ है बगरोता, ये भी डी माइनस में था, मैंने आपको बताया है, और एक बूथ हमारा चंबा विधानसभा क्षेत्र का धरोग था वो भी डी माइनस में था, और इस वक्त जो है वो यहाँ दोनों बूथ से जो वो भारी लोग जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब धड़ोग के लड़के हैं कुछ, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जो मैं बुलाना चाहूँगा अनिल कुमार जसरोटिया, जो कि बनगोटू से हैं, वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।
सतीश कुमार जी भी लाइन में आ जाए। हरीश कुमार, संजीव कुमार जी, विपिन कुमार जी, सोनू ठाकुर, अशोक कुमार जी, आप सभी लोगों का भाजपा में बहुत बहुत स्वागत। नेचुरल की यहाँ